नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि दोस्तों अब बहस होती हुई नज़र आ रही है आखिरकार राजवीर की शौर्य की। जी हाँ, आप लोग जानते हैं कि राजवीर को पलकी सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि दोस्तों एक और गेम खेलने वाले हैं जिसमें लगातार पलकी की बात की जाए और इधर काव्या की बात की जाए, तो वो बोल रही हैं कि इस गेम को सिर्फ और सिर्फ राजवीर ही जीतेगा। हालांकि दोस्तों शौर्य सोच रहा है कि उस गेम को मैं जीतूंगा, लेकिन दोस्तों यहां पर निधि एक बहुत बड़ा गेम खेलती हुई नज़र आने वाली है, क्योंकि दोस्तों अब निधि को पता लगता हुआ नज़र आएगा कि हाँ, ये राजवीर को किसी भी तरीका से यहाँ से ना निकाला तो ये मेरे लिए दिक्कत भरा हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों प्रीता और सृष्टि राजवीर के साथ मिलकर निधि को एक्सपोज कर सकते हैं। इससे पहले निधि प्लानिंग कर रही है कि कुछ भी गेम खेलकर आखिरकार इस समय निकाल दिया जाए इस घर से राजवीर को, क्योंकि राजवीर के लिए पहले भी काफ़ी ज़्यादा इल्जामात लगाती हुई नजर आई थी निधि, और निधि का एक नहीं बल्कि इस समय कई टारगेट हैं जिनको पूर्ण रूप से करना चाहती हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार वो अपने टारगेट को सफल करने के लिए और कितना गिरेगी, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी शख्सियत है कि जो अपना कार्य हमेशा अपनी तरीका से करती है, लेकिन इस बार करण भी किसी तरीका से छोड़ने वाला नहीं है। करण को पता है कि कब क्या कैसे और क्यों करना है। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि कहानी एक नहीं बल्कि समय कई विचित्र मोड़ पर जा चुकी है। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि विचित्र मोड़ भी एक नहीं है बल्कि लगातार एक से बढ़कर एक एक नई नई चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। साथ ही दोस्तों आप लोगों के सामने मैं हूं रोहित नागर। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा इस कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया है, उसके लिए भी मैं दिल से धन्यवाद।